Hello everyone. Welcome you to this video, which is uh, going to talk about two things. Uh, with the good news, number one, ABC analysis for CF final audit May 24. Number two, last month revision plan for your audit. And what's the good news? That is something which you already know. And uh, believe me, this is not making your Aprils full. This time we are getting the largest span of holiday. Ever in the CA exams history in your paper of audit. अरे सर पेपर बहुत टफ आएगा तो जब यह अनाउंसमेंट आया था कि ऑडिट में इतनी सारी छुट्टियां होगी उससे पहले ही आपके पेपर बन चुके होंगे तो आप उसकी चिंता मत करिए दोस्तों और इस बार ऑडिट में क्योंकि हमारे पास है तीन पूरे दिन और दो अधूरे दिन इसलिए ऑडिट की तैयारी अब करेंगे बड़ी आसानी से बनाएंगे सब्जेक्ट को बड़े आराम से स्कोरिंग विद द राइट स्ट्रेटजी लेट्स स्टार्ट विद द एबीसी फर्स्ट सी अ फाइनल ऑडिट एबीसी मैंने तीन पार्ट में आपके लिए बनाए सबसे पहले एक चैप्टर वाइज एक ओवरऑल सब्जेक्ट का एबीसी फिर हर पर्टिकुलर चैप्टर में टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है उसका एबीसी प्लस एक अपने क्वेश्चन बैंक में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसका एबीसी विद स्पेसिफिक मार्किंग ऑन एबीसी बी ये करके फिर डिस्कस करेंगे अपन लास्ट मंथ रिवीजन थ्री डेज बिफोर एग्जाम का हमारा कैसे प्लान होगा बिकॉज uh, हमारा पेपर ए एफ एम का कम्प्लीट होगा फोर्थ मे को और फिर सीधे एट्थ मे को ऑडिट का पेपर होगा तो क्या हम इसमें बीच में वोट देने जाएंगे आई डोंट नो बट यस डेफिनेटली ऑडिट की तैयारी बड़े मजे से आराम से अच्छे से कर पाएंगे सबसे पहले अपन देखते हैं कि आईसीआई ने ऑडिट का सिलेबस में क्या वेटेज एग्जाम वेटेज पैटर्न दिया है क्योंकि ऑडिट के सिलेबस में सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं तो पास्ट में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहा था ये अब रिडेंडेंट है बट हाँ क्वेश्चन किससे ज्यादा आते थे कम आते थे उससे हम हर पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पॉइंट्स टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये निकाल सकते हैं बट जो आईसीआई ने एग्जाम का एक वेटेज पब्लिकली शेयर किया है जिसको एग्जामिनर्स के साथ भी सपोजिटली शेयर किया गया और बोला गया है कि आप पेपर्स बनाते समय ये पेपर के अंतर्गत हो सके तो ऐसा पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स विद इन द चैप्टर्स मैनेज करें अगर मैं इन 19 चैप्टर्स की समरी देखूं, तो ये समरी कुछ ऐसी आती है कि प्रोफेशनल थिक्स को इंस्टीट्यूट ने 17 टू 24 परसेंटेज दिया है यानी 20 परसेंट तो अगर इसमें से आप ये समझ लें तीन से चार मार्क के अगर एम आते हैं एवरेज दो से तीन मार्क के आते हैं तो बचे हुए पंद्रह से सोलह मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी आप तीन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो ऑडिट के पेपर में कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पांच मार्क्स से ज्यादा का नहीं आता है स्टैंडर्ड वेटेज फाइव फोर तो मे बी थ्री डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अमाउंटिंग टू फोर्टीन मार्क्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थ्री टू फाइव मार्क्स ऑफ एमसीक्यू सो ट्वेंटी परसेंट लिडल ऑन द हायर साइड इसके अलावा जितने भी आपके स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर्स हैं चैप्टर नाइनटीन एथिक्स हो गया आखिरी और वन टू इलेवन हो गए सारे स्टैंडर्ड बेस जिसमें एसे सब कुछ आ गया आईसीआई कहता है कि इसका वेटेज होगा फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव परसेंटेज विच मीन्स अगर मैं एवरेज लूँ तो फिफ्टी परसेंट यानी कि आपका आधा पेपर इसी में से आना है नॉर्मली एमसीक्यूज ऐसे बेस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते थे एक्सेप्ट इन नवेंबर ट्वेंटी थ्री जहां पर बहुत पूछे गए इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इंटरनेशनल एग्जाम्स में क्योंकि इंस्टीट्यूट काफी कुछ उसकी तरफ बढ़ रहा है ऐसे बेस्ड एमसी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे केस में नवंबर 23 से पहले जो दूसरे चैप्टर्स होते थे उनसे सबसे ज्यादा एम आते थे दूसरे चैप्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं दो नए चैप्टर जो ऐड हुए डिजिटल ऑडिटिंग और ई जिसका वेटेज इंस्टीट्यूट ने अप्रोक्सीमेटली पांच पांच परसेंट इच तो अगर आप देखें तो डिजिटल ऑडिट का थ्री टू सिक्स परसेंट और एच डी जी ई एस जी का थ्री टू सिक्स परसेंट तो समवेयर अराउंड एट टू टेन मार्क्स के आपके दोनों में से एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं मे बी एक पांच एक चार या दोनों पांच के फिर बचते हमारे सारे वो चैप्टर्स जो ओल्ड कोर्स में भी थे या तो वो एज इट इज है या फिर उसके अंदर कुछ माइनर चेंज किया बट मेजर चेंजेस नहीं हुए इसका वेटेज सर क्या बात कर रहे हो सिर्फ ट्वेंटी परसेंट हो माई गॉड ये इंस्टीट्यूट के पैटर्न के अनुसार सेवेंटीन टू ट्वेंटी फोर परसेंट ओनली है तो सर ये तो जो पुराने वाले चैप्टर हैं इनका वेटेज तो बहुत कम हो गया पहले क्योंकि इनका फोर्टी फोर्टी फाइव परसेंट वेटेज हुआ करता था डिस्क्रिप्टिव में और सेम नंबर एम में होते थे तो ये खुशी की बात है या दुख की बात समझ नहीं आ रहा है खुशी इसलिए क्यों क्योंकि इसमें भर भर के थ्योरी है की बात इसलिए क्योंकि यही तो तो ओल्ड वाले चैप्टर्स थे जो कैरी फॉरवर्ड दिस इज़ बेसिकली बेसिकली अ फैक्चुअल वीडियो विल टेल यू द आउट ऑफ दीज वन टू थ्री फोर फाइव चैप्टर्स के बेसिस पे नाउ लेट्स अपन ये परसेंटेज को फर्दर एनालाइज करते हैं जैसे हम पहले स्पेशल ऑडिट कहते थे पर अब हम ऐसा कोई नॉमिन क्लेचर नहीं देते क्योंकि इनका कोई खास वेटेज एस पर आई सी एग्जाम पैटर्न अभी तो नहीं मुझे लगता है यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ऑडिट ग्रुप ऑडिट के एक क्वेश्चन में कौन से पर्टिकुलर मैटर पे क्वेश्चन आ सकता है तो

मेरे हिसाब से एनबीएफसी में अमेंडमेंट है तो एक क्वेश्चन और बैंक के ऊपर एक क्वेश्चन आना चाहिए हालांकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एम सी क्यू इस पर भी आते हैं लेकिन इसमें नॉर्मली एक आध मार्क का क्वेश्चन आएगा एम सी क्यू का इसका कोई भरोसा नहीं है पाँच से छः मार्क के भी आ जाए कई बार इंटीग्रेटेड केस स्टडीज जो आती है जिसमें एक केस होता है और उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन होते हैं वो पूरा बैंक के ऊपर भी आए हालांकि अब जो इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर वगैरह में पैटर्न दिख रहा है उसमें जो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज वो पूछ रहे हैं एमसीक्यू में उसमें एक केस स्टडी में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो सारे एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं है कुछ एथिक्स के हैं तो कुछ बैंक कुछ एनबीएफसी इस तरह के तो एम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीएसयू में यू मे गेट जीरो और वन क्वेश्चन सो इट इज नॉट नेसेसरली कि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज नॉट रियली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जीरो टू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस तो एक मार्क का एम सी क्यू और क्वेश्चन आया तो आया नहीं आया तो नहीं आया सेम गोज फॉर इंटरनल ऑडिट बट इंटरनल ऑडिट ऐसे सिक्स वन जीरो इज क्रिटिकल तो हो सकता है वहां से आ जाए या यहाँ से आ जाए तो एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो इस पर आ जाएगा या तो सिक्स वन जीरो या दिस चैप्टर ऑब्वियसली दिस चैप्टर ऑल्सो हैज कंटेंट ऑफ सिक्स वन जीरो तो फोर टू फाइव मार्क्स का इसका वेटेज एमसीक्यू में भी आई डू नॉट फोर सी मच इंपॉर्टेंस टू दिस पर्टिकुलर यूनिट ड्यू इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक में आप एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो दिस इज ऑल माई पर्सनल ओपिनियन एंड व्यू विच मीन्स एट टू टेन मार्क्स का इसका वेटेज हो सकता है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकली तो इनसे एमसीक्यू पूछे गए तो मे बी टू टू थ्री एमसीक्यू वन फ्रॉम ईच टॉपिक तो इस तरह से ऐसे अब मैं ऑडिट के चैप्टर को अगर इंटरप्रेट करूं तो ये काफी डुएबल सा लगने लग गया है मुझे क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या है ये जो लॉट ऑफ थ्योरी इन दीज अदर चैप्टर्स है और अगर मैं देखूं तो इन दीज अदर चैप्टर्स में न्यू चैप्टर्स को हटा के इनका वेटेज अप्रोक्सीमेटली बीस मार्क का इन बीस मार्क में से मैं डेफिनेटली एन बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ ग्रुप ऑडिट बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ छोटे छोटे टॉपिक बैंक में सिलेक्टिवली प्रोविजन बेस्ड बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ अदर्स को मैं सिलेक्टिवली देख सकता हूँ पी एस यू जेनेरिक टॉपिक है कोई चैलेंजिंग नहीं है ड्यू डेलिजेंस बहुत अच्छे से तैयार किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा लेंदी अपन रिविजन से बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे पर सिलेक्टिवली के फॉरेंसिक अगेन थोड़ा सा थ्योरी है तो उसमें कुछ चीज़ें सिलेक्टिवली बहुत अच्छे से तैयार की जा सकती है एंड इंटरनल ऑडिट इज प्योर थ्योरी थ्योरी इट इज मोर ऑफ मगिंग अप एक्सेप्टन जीरो पोर्शन तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग नहीं दिख रहा है मुझे ये वाला पोर्शन क्योंकि अब इसका जितना एग्जाम वेटेज है और ये जितने टॉपिक है काफी कुछ डुएबल सा नजर आ रहा है तो ये तरह से अब आप क्या कर सकते हैं प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि मुझे कौन से चैप्टर सिलेक्टिवली कौन से कॉम्प्रिहेंसिवली करना है सर ये जो आपने बोला अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए आई जस्ट शेयर दैट विद यू तो ये इसका वेटेज हो गया अब आ जाते हैं अपन ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव टू फिफ्टी परसेंट जो सबसे बड़ा वेटेज है हमारे इन चैप्टर्स का जो ऐसे बेस्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है ऑल दर्टेंट स्टफ इफ आई शेयर विद यू नंबर वन पहला चैप्टर इज टू माय माइंड वेरी इंपॉर्टेंट यानी आप इसे डेफिनेटली ए कैटेगरी दे सकते सेकेंड चैप्टर टू माय माइंड इज अ बी कैटेगरी आइटम थर्ड चैप्टर अगेन इज अ बी कैटेगरी चैप्टर ये ए या बी बोल सकते हो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एक हिस्टोरिकली अगर मैं बोलूँ तो यू फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस इससे आप जीरो टू वन क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे एक क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट करना 240 फोर्टी अब इंटरजेट आ दिया है यहाँ रख दिया तो एक क्वेश्चन तो बनेगा इससे ये या 216 में ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोर कभी आता है कभी नहीं आता इस पे तो आप मान के चलना है कि एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही है पर ये छोटा है और हो सकता है इस कारण से इससे दो क्वेश्चन आ जाए इसका क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा वो सब जगह एमसीक्यू अपन स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते क्योंकि हिस्टोरिकली वी डोंट हैव अ लार्ज बिग हिस्ट्री ऑफ एसी बेस्ड एमसीक्यू इन दोनों चैप्टर्स को इंस्टीट्यूट ने प्योरली चार्ट बेस्ड कवर किया बट डिस्पाइट दैट इंस्टीट्यूट ने बोल दिया भैया सारे ऐसे तो सिलेबस में ही है तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर लो कि पांच सौ सीरीज में से आपको इन दोनों चैप्टर के मिला के दो क्वेश्चन आ सकते हैं विद इन विच विच स्टैंडर्ड्स कुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली इंस्टीट्यूट की पसंद रहा है पांच सौ एक पांच सौ पांच इन फैक्ट फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी गोज ह्योर तो इन दैट सेंस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ये एक अकेले पर्टिकुलर टॉपिक के कारण ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है यानी कि आप इसमें ऐसा लिख लो जीरो टू वन क्वेश्चन प्लस फाइव फोर्टी का तो आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो तो व्हाट आई वुड रादर पुट इट लाइक दिस इज लेट मी रिवाइज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट लाइक दिस ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन में यू विल गेट जीरो टू वन क्वेश्चन बट सिक्स टू ये वाली जो सीरीज है इसमें यू विल डेफिनेटली गेट अनादर वन क्वेश्चन थ्री हंड्रेड प्लस एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी नॉट रियली इंपॉर्टेंट बट ये स्टैंडर्ड्स इसमें जो कवर्ड है डेफिनेटली आर इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग के ऊपर आप इजीली एक्सपेक्ट कर लो यू विल गेट वन टू टू क्वेश्चन और मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली ए कैटेगरी आइटम है ये ए भी हैं इनमें सिर्फ वो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जैसे कि फाइव जीरो वन फाइव जीरो फाइव फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी टू सम एक्सटेंट रिप्रेजेंटेशन फाइव एट्टी रिपोर्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेवन जीरो फाइव वेरी इंपॉर्टेंट कारो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स द होल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आखिरी में ऑडिट रिपोर्ट सर्टिफिकेट ऐसे कुछ कंपेरिजन्स भी दिए हैं कभी आ जाए तो आ जाए तो आप ये मान के चलो कि दो क्वेश्चन तो सेफर साइड में कहीं नहीं गए इसके कोई बड़ी बात नहीं है तीन पे भी आ जाए अगर मैं कारो एड कर दूँ तो लेटमी से वन टू टू क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट प्योर फ्रॉम दी एस एस पार्ट प्लस एडिशनल यू एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम कारो और सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज यानी कि एक क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर लीजिए मे बी तो एक क्वेश्चन इस पे तो हो सकता है इस पूरे चैप्टर में मिला के आपको तीन से चार क्वेश्चन मिल जाए सच एन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड तो क्या सर ये पंद्रह मार्क का ही एक अकेला चैप्टर हो सकता है एम नॉट सेइंग हमेशा होता है बट पोटेंशियल है इसमें होने का कई बार दस मार्क का, का कारो ही पूछा हुआ है तो आप समझ लो क्योंकि कारो यहाँ इंक्लूड कर दिया है तो कितना ग्रेट कर रहे जितने भी नए चैप्टर्स मुझे लगता है कि इन सारे नए चैप्टर्स एट नाइन टेन इलेवन विच इज य टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोर एंड सीरीज इनमें से किसी दो पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए यानी कि यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम टू क्वेश्चन फ्रॉम दीज फोर चैप्टर्स तो आप ये लिख सकते हैं कि एट नाइन टेन और इलेवन इन सब में मिला के आई एक्सपेक्ट टू क्वेश्चन मेरा मानना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल इसमें से क्या हो सकता है एट ज़ीरो फाइव एट वन ज़ीरो फोर्टी फोर हंड्रेड सीरीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है मेरी मान्यता में मैं इसे ए कैटेगरी दूंगा इसे बी दूंगा रिव्यू को डेफिनेटली बी और सी कैटेगरी क्लासीफाई करूँगा एंड इसे बी क्लासीफाई करूँगा प्रोस्पेक्टिव के अंतर्गत आई थिंक थ्री फोर जीरो टू और थ्री फोर डबल ज़ीरो और मोर इम्पॉर्टेंट एंड थ्री फोर टू जीरो तो इससे साइनली हमें क्या समझ में आ गया अब आप इसका अगर टोटल लगाओगे तो यू विल फाइंड कि टोटल इंस्टीट्यूट 19 क्वेश्चंस पूछता है कैसे लेट मी शो यू दी एग्जाम पेपर पैटर्न 30 आपके डिस्क्रिप्टिव आ गए सॉरी 30 परसेंट एम आ गए और 70 डिस्क्रिप्टिव आ गए पहला क्वेश्चन कंपलसरी ऐसे बेस्ड चैप्टर का होता है ज़्यादातर या दो पार्ट तो मिनिमम ऐसे बेस्ड होंगे तीसरा पार्ट हो सकता है कारो या सेक्शन 143 जो कंपनी ऑडिट है या कोई भी दूसरे टॉपिक से आ जाए पैटर्न फिक्स होता है हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है फाइव फाइव फोर के तीन पार्ट में पहला कंपल्सरी बच्चों पर पांच में से चार ट्राई करना है तो टोटल पांच क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स सेवेंटी मार्क्स ट्राई करना है ऑप्शनल मिला के छह क्वेश्चन एक इंटरनल चॉइस आती है तो टोटल छः इंटू तीन एटीन प्लस वन नाइनटीन क्वेश्चन आते हैं आप ये समझ लीजिए कि अगर तीन इसमें से एथिक्स के निकल गए तो बचे हमारे टोटल सोलह क्वेश्चंस और बचे हमारे अठारह चैप्टर इसमें स्पेशल जो नए स्टैंडर्ड आए उनके चार चैप्टर में से दो क्वेश्चन वहां पे आना चाहिए तो इसका मतलब ये मोरल लेस जो मेरा अंडरस्टैंडिंग लगती है मुझे अब वी आर लेफ्ट विध सिक्सटीन क्वेश्चन एंड इफ यू सी वी आर लेफ्ट विथ एटीन माइनस फोर फोर्टीन टॉपिक्स तो नाइनटीन तो थे एथिक्स एक निकल गया अठारह उसके बाद चार निकल गए तो बचे फोर्टीन क्वेश्चन कितने हो गए एथिक्स के अगर तीन देखें और इसमें से दो पांच तो फोर्टीन बचे तो फोर्टीन चैप्टर्स एंड सॉरी फोर्टीन चैप्टर्स एंड फोर्टीन क्वेश्चन यानी मोरललेस इंस्टीट्यूट के पास पॉसिबिलिटी है कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछ ले तो एक डिजिटल ऑडिट का पूछ लेगी एक ई का पूछ लेगी इधर हो सकता है स्पेशल एरियाज में पी का कुछ ना पूछ के वो आपसे इन्वेस्टिगेशन के दो पूछ ले और उधर स्टैंडर्ड में हो सकता है कि इतने सारे चैप्टर्स में से कपल ऑफ चैप्टर्स दे में नॉट आस्क एनी क्वेश्चन एंड दे में आज कपल ऑफ मोर क्वेश्चन फ्राम रिस्पेक्टिव चैप्टर तो ये बेस्ड ऑन मी दिस इज द पैटर्न विच शोज दैट एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यू चैप्टर्स हु आर डेफिनेटली सी कैटेगरी विच आर वेरी वेल लेस आस्ट सी का मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे अगर आएंगे तो इससे हो सकता है सिंपल आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए रेस्ट अदर्स आदि से मैं ये बोलता हूँ क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी है पर डूएबल है इजी है तो डिजिटल और ये तो नए हैं तो नए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसको एक कैटेगरी दिया जाए ये भी ये होना चाहिए नो डाउट अबाउट एथिक्स आई होप दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इज वेल एज ब्रॉडली वॉट इम्पॉर्टेंट ऐसेज आर दें सर ऐसेज में कौन से ऐसेज कम्पेरिटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट ऐसा नहीं है दूसरों में से क्वेश्चन नहीं आते आई होप दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर वन चैप्टर्स इंपॉर्टेंस नंबर टू ओवरऑल क्या कवरेज होएगी हमारे पेपर का क्या डिविजन होगा अब आ जाते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन आंसर्स पे अगर मैं क्वेश्चन वाइज एबीसी की बात करूं तो व्हाट आई हैव डन इज आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें ये टोटल नाइनटीन चैप्टर्स है अपने उसका इंडेक्स है हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन है ये दिए है मैंने इन टोटल चैप्टर्स में से मुझे जो जो चैप्टर के जो जो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट लगे ये एक सिंगल पेज में आपके साथ शेयर कर दिया ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो क्या क्वेश्चन आंसर्स का इंपॉर्टेंस ऐसा होना चाहिए सर कि मुझे फोकस करना चाहिए क्वेश्चन एंड आंसर्स पे मेरी पढ़ाई के दौरान तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा दोस्तों इंस्टीट्यूट के पैटर्न में अगर आप देखोगे तो फिफ्टी परसेंट आपका जो पेपर होता है मॉरल लेस वो किससे आता है क्वेश्चन बैंक यानी आधे क्वेश्चन डेफिनेटली इंस्टीट्यूट की आर टी स्टडी मटीरियल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से रिपीट होते हैं मिनिमम फिफ्टी तो इसका मतलब क्वेश्चन बैंक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई हालांकि सिर्फ क्वेश्चन बैंक से काम नहीं चलेगा क्यों क्योंकि अप टू फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन नहीं भी हो सकते हैं तो इसलिए क्वेश्चन बैंक आपको डेफिनेटली करना है टाइम कम है तो फोकस कर सकते हो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं जो मैंने बताया प्लस या आपने आपके मार्क कर रखे थे करते समय कि यार ये मुझसे गलत हुआ था पहली बार में तो इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन बैंक आपको करना है इससे पहले तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे वो फायदा है दूसरा कई बार आपको ये समझ में आएगा अच्छा इस क्वेश्चन में ये आंसर होता है डाउट होएगा तो आप वापस से सोचोगे तो समझ में आएगा अच्छा इसमें ये आंसर लिखना है ये नहीं लिखना है प्लस जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आप क्या करते हो आपको सोचना चाहिए कैसे प्रैक्टिस करना है इस समय पर क्वेश्चन आंसर्स रिविजन में तो आप क्वेश्चन रीड करोगे तो सोचना क्या आंसर होना चाहिए कंक्लूजन देखो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो पॉट सुनिए उसके सारे क्वेश्चन के आपके पास ऑडियो पॉट अवेलेबल है और वहां पे आपको जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप मार्क कर दीजिए एज इम्पॉर्टेंट आपको एग्जाम से पहले वाले रिवीजन के दौरान जितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए वो सॉल्व करना है क्योंकि हमारे पास इस टाइम एक्स्ट्रा समय है बिफोर एग्जाम वी विल ऑल्सो डू सम समीजन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं अभी इस समय आपको क्वेश्चन बैंक में ये अप्रोच फॉलो करना चाहिए क्या जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो उस समय जो भी क्वेश्चंस आप रिव्यू कर रहे हो सारे नहीं इंपॉर्टेंट वाले उसमें जो भी क्वेश्चन में की चीज़ पूछिए उसे हंडालाइट कर दो तो ताकि बाद में रिवाइज अगर करना है तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करोगे और आंसर में भी जो की चीज़ है उसे हाईलाइट कर दीजिए तो तैयारी आपकी ऐसी होना चाहिए कि कुछ आइडेंटिफाइड पचास और क्वेश्चन या सत्तर अस्सी क्वेश्चन में एग्जाम से तीन दिन पहले वाले रिविजन में जब रिवाइज़ करूंगा तो मैं फोर्टी फाइव मिनट्स के अंदर अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्विकली रिवाइज़ कर सकूँ इतना छोटा मुझे करना है तो बातों ही बातों में हमने हमारा रिवीजन प्लान भी डिस्कस करना शुरू कर दिया किस तरह से हमें रिवाइज करना है बिफोर दी एग्जाम्स तो बिकॉज वी हैव थ्री डेज वी विल टॉक अबाउट इट लेटर लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट लास्ट मंथ रिवीजन अभी एक महीने कैसे रिवीजन करना है तो एक तो मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ प्लानर शेयर किया यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्लानर दैट विल बेसिकली शो यू कि आप ऑडिट कैसे प्लान कर सकते हो मैंने उसमें सजेस्ट किया है कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डेली रखना चाहिए ऑडिट के लिए यानी ऑलमोस्ट एवरी डे यू शुड कीप फॉर ऑडिट और थोड़ा थोड़ा रोज करे क्या कि थ्योरी है तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे आप देखेंगे ऐसी शीट्स शेयर करिए बहुत ग्रुप दे रहे हैं तो कैसे रिविजन प्लान हो सकता है सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो क्या हो सकता है आप यूज़ कर सकते इसके अलावा लेट मी शेयर यू ब्रॉडली वॉट शुड बी द सीक्वेंस फॉर स्टडी वेन यू आर स्टडिंग अब आप ऑडिट उठा रहे हो तो क्या देखना है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे पहले आप एथिक्स से उठाओ इंटरेस्टिंग है हंड्रेड परसेंट कवरेज के उद्देश्य से नो एबीसी है। फिर चैप्टर वन टू इलेवन सीक्वेंस में लीजिए जिसमें फिर कारो कमी ऑडिट वाले पोर्शन भी करिए चैप्टर टू थ्री और फोर में आप एबीसी फोकस रख सकते हैं क्यों क्योंकि वह थ्योरी कंटेंट बहुत ज्यादा है बाकी सारे चैप्टर में हो सके तो आप कोशिश करिए हंड्रेड परसेंट कवरेज करने की टू थ्री फोर छोड़ के इसके बाद आप करिए चैप्टर थर्टीन फोर्टीन और एटीन क्योंकि फोर्टीन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है बैंक एन बी और थर्टीन और एटीन नहीं यहाँ पे आप एबीसी फोकस रख के तैयारी कर सकते हैं बैंक पूरा कवर नहीं किया जा सकता है रिवाइज भी करना मुश्किल है एग्जाम से पहले तो फोकस रख सकते हैं आप प्रोविजन बेस्ड जो रिविजन में अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट है और पंद्रह सोलह सत्रह बारह बचे हुए चैप्टर्स का रिलेटिवली वेटेज बहुत कम है यहाँ पे आप सिलेक्टिव कवर करो आपको ऑडिट का जो डर है इतनी सारी थ्योरी कैसे कवर रहेगी वो काफ़ी कम आ जाएगी क्योंकि जहाँ तक ऐसे इसके चैप्टर्स की बात है दोस्तों ऐसे सब लॉजिकल है अपन ने क्लास में जैसे पढ़े हैं आपने रिवाइज किया और रिविजन वीडियोज़ देखिए आपने क्लासेस यहाँ से नहीं भी लिया आप रिविजन वीडियोज का बेनिफिट ले सकते हैं बहुत लॉजिकली कनेक्ट होकर बड़े कंपेरिटिवली आई एल नॉट से ईजी बट कम्पेरेटिवली ग्रिप में लेने में पॉसिबल है तो मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका फास्ट के स्टूडेंट्स के लिए उन्हें डी सी या क्वेश्चन बैंक से अगर पढ़ने की चाहते हैं तो हंड्रेड परसेंट ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्रोन चार्ट में टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी पेजेस में एथिक्स छोड़ के सब कुछ कवर हो जाता है एथिक्स मिला के दो सौ सत्तर पेज और पूरा मटेरियल आपका सॉलिड कवर होता है कोई चार्ट जैसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ की वर्ड से प्रॉपर कंटेंट है अपने आप में सेल्फ स्टडी मटीरियल है आई थिंक थ्रोन चार्ट्स आर एक्सीलेंट खुद से बोलना नहीं चाहिए पर स्टूडेंट की बात बोल रहा हूँ जबान आप ब्रह्मास प्लस क्वेश्चन कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपको मार्क करते जाना है वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है इस समय पर इन कुछ चैप्टर्स में जहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको ब्रह्मास फॉलो करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगे तो अभी से आप टिप मार्क कर दीजिए क्या कि आपको क्या क्या सेलेक्टिवली करना है उसमें से कुछ उस स्टूडेंट ब्लेंडेड अप्रोच पे जाना चाहते हैं कि सर ये वाले टॉपिक्स में मैं ड्रोन चार्ट यूज कर लूँ और बाकी सब मैं ब्रह्मास्त यूज़ कर लूँ या एसेज में जो नए स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ड्रोन चार्ट ले लूँ और बाकी सब में ब्रह्मास्त्र कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जो भी अप्रोच आपने फाइनल करी है उसे फाइनल करके रख दीजिए किताब ऐसी भी नहीं है कि एक सिंगल किताब से भी आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं यू नीड नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी पर जो भी डिसाइड किया बस उस पर स्टिक रहो कैसे पढ़ना है कम से कम दो रीडिंग और होनी चाहिए आपकी मिनिमम लास्ट एक महीने के अंतर्गत जी नेक्स्ट पावर बैच या यूट्यूब के रिविजन जहां आपको ज़रूरत है वहाँ देखिए कि ये चैप्टर में ग्रिप कम आ रही है तो उस पर रेफर कर लीजिए डिजिटल ऑडिट ए एस जी एस डी जी बहुत बड़े लग रहे हैं कंफर्ट नहीं आ रहा है एक बार उसका रिविजन जरूर देखें अब मेमोराइज करने पे भी ध्यान देना होगा अब तक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस फोकसताब याद करना है तो आप क्यूमुलेटिव रिविजन करिए तो आप रोज चार घंटे अगर ऑडिट पढ़ रहे हैं विच इज़ एन आइडियल टाइम इफ़ यू आर डूइंग इट डेली तो आपको क्या करना है अगले दिन सबसे पहले शुरू का आधी घंटा पौन घंटा आपको मिनिमम टाइम ही ऐसा रखना रिविजन में कभी भी जल्दबाजी मत रखो आपको बोलना है मेरे को मिनिमम थर्टी मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स रिविजन पे देने उससे पहले हो गया तो भी मैं रिवाइज करूँ और फिर आगे का पढ़िए ऐसे डेली पुराना वाला रिवाइज करे क्या डेली पिछले दिन का रिविजन करना है या पिछले दिनों का रिविजन करना है डेवलप योर ओन स्ट्रेटेजी कुछ टॉपिक्स में आपको लगेगा कि यार मुझे प्रीवियस सारे करना चाहिए कुछ में आपको लगेगा नहीं जरूरत है हो सकता है एक स्टूडेंट नॉर्मली क्या फॉलो करते हैं फॉर फाइव डेज देवाइज ऑनली द प्रीवियस डेज एंड ऑन डेज देवाइज तो डेवलप यूर ऑन स्ट्रेटेजी एंड देन प्लीज अंडरस्टैंड अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए क्या कि क्या चीज़ें नहीं कवर करनी है आपको सिर्फ रिव्यू करनी है किसको समझ के पूरे अच्छे से कवर करना तो ये आपका तरीका होगा दोस्तों आखिरी एक महीने में रिविजन का आपको आपका क्रिएट करना पड़ेगा एक प्लान मैंने एक आपको शीट दे दी है जिस पर आप फिल कर सकते हो मैंने उसमें टेंटेटिवली मेरी तरफ से प्लान भी दिया है कि आपको इस तारीख पर ये ये समय ऑडिट पे देना चाहिए बाकी आप अपने हिसाब से उसको सूट करके फिल कर सकते हैं दैट इज़ योर लास्ट वन रिविजन थ्री डेज बिफोर एग्जाम का रिविजन बना के शेयर करेंगे बाकी आई होप इससे अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा क्या होना चाहिए ओवरऑल तरीका करने का कंक्लूजन करते हैं सबसे पहले एथिक्स से, से शुरू करें एवरेज सत्रह से ट्वेंटी फोर परसेंट वेटेज है फिर सारे एस वाले चैप्टर ले ले स्टैंडर्ड वाले वन टू इलेवन उसके बाद में आप ले लें चैप्टर्स जो ट्वेल्व एटीन और फोर्टी है इंपॉर्टेंट फोर्टीन भी कवर कर लें वहाँ पे और फिर रिमेनिंग आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसको सिलेक्टिवली अबी सी फोकस के साथ कवर कर लें हर चैप्टर के बाद उसकी क्वेश्चन बैंक करें जो आपने मार्क कर रखे इम्पॉर्टेंट या जो इस बार मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट मार्क किए उनको और हाईलाइट कर दीजिए क्वेश्चन के की एलिमेंट और आंसर के की एलिमेंट ताकि एग्जाम से पहले भी एक बार रिवाइज कर पाए इस समय नया कुछ भी नहीं उठाना है जो किया है उसी को और अच्छे से तैयार करना है और हमारा एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट पे कि ऑडिट को हमें तोड़ तोड़ के खाना है हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट वन बाइट एट अ टाइम तो बहुत बड़ा हमें पिक्चर नहीं रखना है दिमाग में एक एक करके खाते जाना है इसका मतलब एक एक करके चैप्टर्स कवर करते जाना है कंट्रोल में लेते जाना है बड़ा सा ये सब्जेक्ट खूब सारी थ्योरी वाला भी एकदम डुएबल और कंट्रोल में लगे बाकी रिविजन आएंगे यूट्यूब पर बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी आगे भी आएंगे प्ले एक बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आप उसे फॉलो कर सकते हो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट